सुप्रभात बच्चों, चलिए आप लोगों को अब हम अगला पाठ यानी अगला भाग भी पढ़ाने जा रहे हैं, भाग दो। और पाठ का नाम क्या है? कारक। पहले भाग में हमने आपको कारक के बारे में बताया कि कारक किसे कहते हैं, कारक का प्रयोग क्यों किया जाता है, कारक के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं। तो कारक बेटा एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हम वाक्य तैयार करते हैं। अगर कारक नहीं लगाएंगे तो हमारा वाक्य जो बनेगा उसे कहते हैं अशुद्ध वाक्य, उसको शुद्ध रूप से पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए हर वाक्य में हमें कारक लगाना जरूरी होता है। और आपको पहले ही भाग में बताई कि कारक कितने प्रकार का होता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 8 प्रकार के होते हैं। और पहले भाग में 1 से 4 प्रकार के बारे में बता दिया गया है कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, करण किसे कहते हैं, संप्रदान किसे कहते हैं और संप्रदान का प्रयोग हम कब करते हैं। उसके बाद अब हम चलेंगे नंबर 5 पर अपादान। अपादान का मतलब क्या होता है बेटा? कि अलग होना, से अलग होना, कहीं से हम चले गए, कहीं से कोई आ गया। जैसे एक वाक्य में आपको बताती हूँ कि बच्चे घर से स्कूल चले गए, यानी कि सुबह हम स्कूल जाते हैं, वैसे सबको ही जाना पड़ता है, पढ़ने वाले को भी जाना पड़ता है और पढ़ाने वाले को भी जाना पड़ता है। और उसके बाद जब छुट्टी हो गई तो यहाँ पर देखिए कि स्कूल से बच्चे चले गए, यानी कि बच्चे स्कूल आए थे वो चले गए, शिक्षक शिक्षिका टीचर और ये सर ये लोग भी छुट्टी होने के बाद घर चले गए। मैं स्कूल जाने ही वाला था, जैसे ही मैंने बस स्टॉप पर पहुंचा बस चली गई, यानी कि हमें स्कूल जाना जरूरी था, हम बस से ही स्कूल जाते हैं, लेकिन हमारे पहुंचने के पहले ही, जैसे ही मेरा पहुंचना हुआ नहीं कि बस छूट गई, यानी कि हमसे अलग हो गई। और फिर बहुत आंधी तूफान चल रहा था और आंधी तूफान चलने के कारण जितने भी बगीचे में पेड़ थे सभी पेड़ों के जो पत्ते हैं वे अनगिनत, यानी कि जो जरूरत नहीं थी वो भी आंधी तूफान के कारण गिर गए, यानी कि पेड़ से पत्ते गिर गए, यानी कि पत्ता पेड़ से क्या हो गया बेटा? अलग हो गया। इस तरह से अपादान का यहाँ भी बताया गया है कि कर्ता जिसके लिए, देखिए कि जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कहते हैं। इसका चिन्ह से अलग, जैसे बच्चे स्कूल से चले गए अभी आपको बताई, इस तरह से हमें अपादान का वाक्य प्रयोग करना है। उसके बाद हम चलेंगे संबंध। संबंध में क्या रहेगा? का की के। ऐसा नहीं कि हमें एक ही शब्द, इसमें 3 प्रकार के दिए हैं, का की के और तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारी, ऐसा भी हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का एक दूसरे से संबंध स्थापित हो उसे संबंध कारक चिन्ह कहते हैं, जैसा कि अभी आपको बताई मैंने का की के। अब यहाँ पे आप लोगों को एक वाक्य बनाकर मैं बताती हूँ, उसके बाद आप लोगों को तो बताया गया है कि सभी कारक के 4-4, 5-5 वाक्य पीएच के रूप में बनाना है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि रमेश की बैग अच्छी है, रमेश की बैग अच्छी है। अब संबंध किसका है यहाँ पर? रमेश और बैग की, बैग है लेकिन किसकी बैग है? रमेश की है। रमेश का भाई बड़ा है, रमेश का भाई रमेश उससे बड़ा है। तो यहाँ पे संबंध क्या बताया गया है दोनों का? भाई भाई का। जैसे रमेश के बहन का नाम, रमेश के बहन का नाम रमा है, रमेश की बहन का नाम रमा है। इस तरह से एक दूसरे से जो संबंध जोड़ा जाता है, बनाया जाता है, उसमें क्या लगाया जाता है बेटा? का की के। इस तरह से आप लोगों को संबंध कारक का ये यहाँ पर परिभाषा बताई जा रही है। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध स्थापित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे अनिल की किताब बहुत अच्छी है, अनिल की किताब बहुत अच्छी है, अनिल का घर बहुत बड़ा है, अनिल का घर बहुत बड़ा है, अनिल का स्कूल बहुत अच्छा है। हम इस तरह से यहाँ पर संबंध कारक का संबंध कारक की परिभाषा आप लोगों को बताई गई है। उसके बाद हम चलेंगे अधिकरण।
नंबर छह पे क्या है, संबंध, उसके बाद नंबर सात अधिकरण, नंबर आठ संबोधन। अधिकरण, अधिकरण में कौन सा प्रयोग किया गया है ये चिन्ह, इसमें में और पर है। क्या है बच्चों, में और पर। अब में हम क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे। बैग में पेन है, बैग में किताब है, मेज के ऊपर बोतल रखी हुई है, मेज के ऊपर बोतल रखी हुई है। इस तरह से में और पर का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द क्रिया बनने तथा होने का आधार हो, जो शब्द क्रिया बनने तथा होने का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे टोकरी में फल है, जैसे टोकरी में फल है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, अलमारी में कपड़े रखे हैं, मेज पर किताब रखी हुई है, मेज पर किताब रखी हुई है। तो में और प्रयोग का, में और पर का प्रयोग हम करते हैं। इस तरह से बेटा कारक के बारे में आपको बताया गया है। अब आखिरी का है संबोधन। संबोधन में क्या बताया गया है बेटा, कि संबोधन कई प्रकार के होते हैं। उसमें हे, अरे, वाह, शाबाश, सावधान, उसमें खुशी भी रहती, दुख भी रहता और बहुत सारे ऐसे रहते, और शाबाशी का भी हमें प्रोत्साहन भी दिया जाता है, आश्चर्य भी होता है। और अपने को ऐसे आश्चर्यचकित कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे जीवन में कि जिसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमारे समझ में नहीं आता कि हमें क्या, जैसे कोई बच्चा नीचे गिर गया तो हम क्या कहेंगे, बाप रे। अब वो बच्चा बहुत अगर खाई में नीचे गड्ढे में गिर गया है तो हाथ पैर टूट जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, तो हमारे मुंह से हमें कोई बताने नहीं आता, सिखाने नहीं आता, अचानक यकायक हमारे मुंह से निकल ही आता है। और जैसे कक्षा में तुम्हारा पहला नंबर आया, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, सावधान, आगे खाई है, सावधान, रास्ता गतिरोधक है। इस तरह से यानी कि पहले ही लिख दिया जाता है कि सावधान होकर जाइए, ऐसी सड़क है, ऐसा रोड है, बगल में खाई है, गड्ढा है, हमें सावधान कर दिया जाता है। अरे तुम कब आए, जैसे कोई आया हमको पता नहीं है, अचानक हमारे घर में वो आ गया, उसके आने का आनंद जो होता है वो, अभी तो फोन वगैरह चल गया है बेटा, मोबाइल वगैरह, तो उससे हमें पता चल जाता है। लेकिन आज भी जब ज़्यादा खुशी देनी रहती है तो हम बताते नहीं हैं और अचानक पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद, उनको देखने के बाद जो घर वालों को और उनको आनंद मिलता है, उसकी खुशी हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे, अरे तुम वहाँ नहीं गए, अरे तुम कब आए, शाबाश, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं इसमें जिससे हम वाक्य बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। श्लेष में दो ही चिन्ह बताया गया है, उसे सात और आठ, ऐसे चिन्ह इसमें हैं, हे, अरे, शाबाश, सावधान, हट, ऐसे जो घृणाबोधक शब्द रहते हैं। इस तरह से बेटा यहाँ पर ही आपको समझाया और बताया गया है। अब आगे हम चलेंगे, यहाँ पे कुछ दिया गया है, अकारांत पुल्लिंग शब्द, बालक, यहाँ पर कर्ता, कर्म, करण, ये पूरा अकारांत के बारे में बताया गया है, जो ये किताब में यहाँ दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हो अपनी किताब में और देखकर लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये पाठ समाप्त तो होता है, लेकिन पीएफ के रूप में एक से आठ प्रकार के कर्ता हैं, सभी के आपको चार या पांच वाक्य बनाना ही है। जैसे कर्ता करने हैं, इसके चार या पांच वाक्य सेंटेंस अपने नोटबुक में लिखना है, जिससे कि आप लोग भेजेंगे मुझे लिखकर। और इस तरह से यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।